खरगोन जिले के ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच और सचिव की मिली भगत से शासन द्वारा दी जाने वाली राशि का जमकर दोहन किया जा रहा है। मामले का खुलासा तब हुआ जब महकमे ने पौधारोपण की राशि का बंटवारा कर डाला। मामला खरगोन जिले की प्रेमनगर बलवाड़ी पंचायत का है, जहां 15 अगस्त 2019 को गांव की जयवीर हनुमान समिति के लोगों ने तकरीबन 200 से अधिक पौधे रोपे। सरपंच और सचिव ने मंदिर के नाम से पौधारोपण का पैसा अपने रिश्तेदारों के खातों में डलवा कर राशि का आहरण कर लिया। इस दौरान समिति ने जनपद कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच की गुहार लगाई है। सीईओ ने मीडिया से चर्चा करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अरे मंदिर समिति का गठन हुआ, मंदिर समिति हमारी जिसमें ये हमारे सोहन भाई कर्मा अध्यक्ष हैं, ये काका हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो इन लोगों ने क्या करा, मतलब कि ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष ये लोग सीधे साधे लोग आगे, तो इन लोगों ने बताया सर कि पैसा हमारा ये हमारी वाटिका को मतलब सरकारी नर्सरी दर्शा के और मनरेगा के तहत पैसा वहाँ जनपद से ला के और आपस में अपने रिश्तेदारों में बांटा जा रहा है। तो इनके एक साढ़ू भाई हैं सोहन जी कर्मा के हिसाब से, इनके साढ़ू भाई हैं, उनके खाते में 4400 रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं, जो कि मतलब प्रतिनिधि महोदय के साढ़ू हैं, साढ़ू भाई हैं। और जो इनके टच के लोग हैं और 10-15 लोग, उनके खातों में भी इनने मतलब ये वाटिका नर्सरी के नाम से पैसे चढ़ा के और पैसे निकाल लिए हैं। और सर एक तरह से देखा जाए तो देना इन लोगों को चाहिए था कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं 2 साल से, जिन्होंने मतलब इतना बड़ा गार्डन तैयार किया है, तो इन लोगों को न देते हुए ये लोग यह नर्सरी का फोटो खींच के चुपचाप से और उधर का उधर पैसा निकाल के अपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं। तो हम सर यही चाहते हैं, या तो इनका पैसा नर्सरी द्वारा दर्शाया गया पैसा नर्सरी को मिले, या तो फिर हमारे मंदिर या नर्सरी के नाम से कोई भी पैसा शासन द्वारा दिया नहीं जाए। जिसका कौन लोगों ने पैसा निकाला है पंचायत के माध्यम से? पैसा सर जैसे ये अध्यक्ष महोदय हमारे, इन्होंने बताया कि ये आए सर, तो इनने बताया कि हमारे जो प्रतिनिधि महोदय हैं वो अकाउंट नंबर मांग रहे थे, तो उनने उनके जो साढ़ू भाई है उनके खाते में 4400 रुपये डाल दिया, जिसका नाम संतोष मनागरे है। तो ऐसे पौधे लगे थे यहाँ पर? यहाँ सर पौधे लगे हैं कम से कम 300 पौधों के लमसम लगाए हैं हमने, और सभी के बिल वगैरह इनके पास हैं, पर्सनली बिल वगैरह जो भी खरीद के लाए हैं ये, और सर इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, काम करने की सब यहाँ 3 साल से काम हो रहा है। और ये इस वर्ष आज के वर्ष में मतलब ये उस पुराने काम का पैसा सब निकाल के और आपस में खा पी रहे हैं सर। पूरा इन लोगों को इस चीज़ का लग रहा है कि हमको तो दे नहीं रहे और मतलब जिनने किया नहीं आपने रिश्तेदारों में बांट रहे हैं, तो या तो शासन वहाँ से पैसा ही नहीं दे हमारे नाम से, और देता है तो हम लोगों को मिले। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो दुर्गेश द्विवेदी है। हमारी समस्या ये है कि हम अगले 3 साल से हम ये कार्य कर रहे हैं, ये पौधे हमारी मंडली ने हमारे छोरे उनने साथ रह के हमने पूरा प्राइवेट ये वाटिका तैयार की है। तो हमने पंचायत को बोल दिया था कि भैया ये सरकारी पैसा यहाँ निकालना मत, पंचायत ने हमारे उपरांत ये सरकारी पैसा निकाल लिया है और उनके रिश्तेदारों में बांट दिया गया है। प्रतिनिधि जी ने क्या मालूम किसके खाते में डाला, हमको मालूम पड़ा 4400-4500 रुपये आ चुके हैं और अगला आदमी खा पी भी गया संतोष। कितने पौधे लगाए थे आप? अभी हमने पौधे लगाए थे भैया 350 पौधे लगाए थे, अभी 250-250 से ऊपर पौधे अभी। कब लगे थे ये? लगे थे सन 2019 15 अगस्त। पैसा कब निकला है ये? अभी 2020 में अभी इन्होंने पैसा निकाल दिया था सर। हमने 19 में बोला था हमारा पंजीयन कर दो, इन्होंने किया नहीं, बोले बंद है पंजीयन, तो हमने सर लोड नहीं लिया। और अभी इनको हमने बोल दिया था कि पैसे मत निकालना, सरकारी पैसा हमें नहीं चाहिए, झगड़ा होगा हमारी मंडली में, तो इन्होंने उसके उपरांत ये पैसा निकाल लिया और उनके रिश्तेदारों में बांट दिया गया। संतोष भाई मनागरे है, उनका नाम संतोष मनागरे है, उनके खाते में डाल दिया, प्लस साढ़ू भाई भी है उनके प्रतिनिधि साहब के। 4400 रुपये कितना पैसा निकाला? 4400 रुपये अभी हमको मालूम पड़ा है, प्लस ऐसा भी मालूम पड़ रहा है कि 60-70 हज़ार रुपये निकले हुए हैं। हम पंचायत में गए थे तो हमें और चमका के वहाँ से भगा दिया गया, बोले आपको कैसा मालूम पड़ा कि पैसे निकाले? जिसने निकाले सर वही हमको यहाँ बोल के गया है। क्या बोला? कि मेरे 4400 रुपये खाते में आए मियाँ बीबी उनके, तो हमने निकाल लिए और खा भी गए तुम्हारे मंदिर के पैसे हम। जब सर हम आगे गए और हमने कार्रवाई की। तुमने शिकायत की है? हाँ। कहाँ पर? हम SDM साहब के पास गए थे और जनपद पंचायत गए थे। अच्छा कौन कौन लोग हैं इसमें पंचायत में? सर पंचायत में दिनेश भाई सागोरे प्रतिनिधि है, और छगन मोरे सरपंच साहब है, और मंत्री जी है पाटीदार जी, और मैडम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन कर्मा है। क्या मांग करते हैं आप?
सर हम मांग यही कर रहे हैं कि अगर कभी सरकार हमारी सहायता कर रही है अगर ये वाटिका की, तो सर हमारी नम्र निवेदन यह है कि यहाँ हमारी मंडली के आदमियों को ये मिले तो हम यहाँ कुछ काम कर सके। सर क्या नाम है आपका? सोहन कर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।